नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। बताना चाहेंगे, जम्मू में हनी ट्रैप के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दूल्हा कर रहा था शादी की तैयारियां और दुल्हन हुई गिरफ्तार। बठिंडी का मामला है और बताना चाहेंगे, पुलिस वालों को भी चूना लगा चुका है ये परिवार। ये खबर ध्यान से सुनिएगा ताकि आने वाले समय में आप भी सतर्क हो जाएं। बताना चाहेंगे, बठिंडी इलाके में जो अनोखी ठगी का मामला पेश आया, उस मामले में कई रहस्य दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें पता चला है कि ये परिवार पुलिस वालों को के साथ भी ठगी कर चुका है। बताना, जिसके बारे में एक मामला सरवाल चौकी के माध्यम से बख्शीनगर थाने में दिसंबर माह में दर्ज है। सवाल यानी कि सरवाल पुलिस ने अब इस परिवार के मुखिया, युवती के पिता तथा दो नाबालिग भाइयों को पकड़ लिया है। उसके बाद बठिंडी चौकी से युवती को कस्टडी को भी चेंज करके अपने पास लाया है, ताकि उनके वहां पर दर्ज हुए मामले की जांच की जा सके। शिकायतकर्ता पुलिस का एक, बताना चाहेंगे आपको, एएसआई रैंक का अफसर है, जो कि एक डीएसपी रैंक के अफसर के कार्यालय में बतौर रीडर का काम कर रहा है, तैनात है। इस मामले में एक बात ये बाहर आई है कि युवती ने जम्मू जिले के एक थाने में तैनात पीएसआई को भी ठगा है। साथ ही साथ जिस दिन युवती परिवार के साथ गिरफ्तार हुई थी, उसके दो दिन में उसका पीएसआई के साथ निकाह था। दूल्हा अपने निकाह के कार्ड बांट रहा था, उसकी दुल्हन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उस पीएसआई के इस परिवार ने करीब 4 लाख रुपए भी ठगे थे, जिन्हें ऑनलाइन खाते में डाला गया था। वह भी परिवार के खिलाफ शिकायत देगा। पीएसआई से एक युवती सोशल साइट के माध्यम से संपर्क में आई थी, उसके बाद पीएसआई को अपने जाल में फंसा लिया और वो पीएसआई फंस भी गया। इसीलिए कहते हैं, जब आपको कोई कॉल आती है तो ध्यान से उस कॉल को उठाइएगा और बिना जानकारी पूरी वेरिफिकेशन के अपनी कोई भी शनाख्त उन तक ना पहुंचाइए। बताना चाहेंगे कि परिवार ने कई लोगों को, यानी कि जिसमें बताया गया, यानी उस पीएसआई को भी फंसा लिया, जिसमें बताया गया कि उसके परिवार के कई लोग पुलिस के अफसर हैं। इस प्रकार से इस अफसर को चूना लगाया था, जिससे कि अफसर झांसे में आ गया और बात निकाह तक आ गई। जानकारी के अनुसार बठिंडी पुलिस ने पिछले सप्ताह एक व्यक्ति को, जो कि लोरन पुंछ की तरफ से शिकायत पर, यानी कि जहूरुद्दीन निवासी लोरन पुंछ की तरफ से शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सुंजवा इलाके में रहने वाली एक युवती और उसके भाई तथा मां को गिरफ्तार किया था। उसने उनसे शिकायत में बताया था कि युवती ने उनसे अपने झांसे में फंसा लिया, उसके बाद उसे घर बुलाया, उसके बाद उसे ठगा गया। उसने बताया कि जब वह घर में मौजूद था तो घर के अंदर युवती का भाई तथा पिता आ गए। उन्होंने आते ही उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, उसके कपड़े खोलकर वीडियो बनाया, उसके बाद उसने पैसे की मांग की, उसके बाद उससे फोन से ऑनलाइन 1,85,000 रुपए निकाल लिए गए। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया। उसके बाद एक दिन से छापे मारे गए, जिसके बाद 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले के बाद बठिंडी पुलिस के पास शिकायतों का आना लगातार शुरू हो गया, और साथ ही साथ जिसमें इस परिवार के खिलाफ कई लोग आगे कि उन्हें भी इस प्रकार से चूना लगाया गया है। इससे साफ हो गया है और आया कि ये परिवार पूरे प्लान के साथ अलग अलग इलाकों में किराए पर कमरे लेकर लोगों को चूना लगाने का काम करते हैं। दूसरी तरफ सरवाल पुलिस ने युवती के पिता तथा दो नाबालिग भाइयों को एक सूचना के आधार पर, बताया जा रहा है कि सूचना के आधार पर पकड़ा है। वहां पर इस परिवार के खिलाफ दिसंबर माह में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस के एक एएसआई को चूना लगाया गया था, उसे जाल में फंसाकर 80,000 रुपए ठगे गए थे। सरवाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए बठिंडी चौकी से युवती की कस्टडी को चेंज करके अपने पास बुला रखा है। बताना चाहेंगे, मकान मालिकों के खिलाफ भी दर्ज हो सकते हैं मामले। इस मामले की जांच के दौरान बठिंडी पुलिस ये भी देख रही है कि ये यहां पर वह किराए पर रह रहे थे, वहां के मालिक ने क्या पुलिस को वेरिफिकेशन करवाई थी, जो लगातार जम्मू
कश्मीर पुलिस इस बात की आह्वान कर रहा है कि जो भी अगर कोई किराएदार रखता है तो उसका मालिक मकान का दायित्व बनता है उनकी पूरी डिटेल जो स्थानीय पुलिस चौकी या पुलिस थाने में करवाए। पुलिस रिकॉर्ड को खंगालने में लगी हुई है, अभी तक पुलिस के पास रिकॉर्ड नहीं मिला। अगर वेरिफिकेशन नहीं करवाई गई होगी तो मालिक मकानों के खिलाफ भी वेरिफिकेशन ना करवाने का मामला दर्ज हो सकता है। पुलिस के अफसर इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि जिस प्रकार से लगातार शिकायतों का आना जाना है उस हिसाब से उनके खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं या फिर एक ही मामले में सभी शिकायतों को जोड़ा जाए, क्योंकि अलग अलग इलाकों में लोगों को शिकार बनाया गया है। यानी एक ऐसा परिवार जो कि हनी ट्रैप के माध्यम से लोगों को लूट रहा था, अपना शिकार बना रहा था, अलग अलग जगहों पर किराए का मकान लेकर लोगों को अपने झांसे में फंसा था। इवन के पुलिस के एक अधिकारी को कर्मचारी को भी नहीं बख्शा। जहां पर आम जनता झांसे में आ जाती है, वहीं एक पुलिसकर्मी भी झांसे में आया और जिसने अपने लाखों रुपए गंवा दिए। उसी के चलते सरवाल पुलिस में भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी दिसंबर महीने में। उसके बाद बठिंडी केस जो घटना ने पूरे जम्मू को हिलाकर रख दिया है। हम बार बार यही कहते हैं कि सोशल मीडिया के अच्छे अगर फायदे हैं तो नुकसान भी है। जल्दी आप किसी के झांसे में ना आए ताकि आने वाले समय में आपकी मेहनत की कमाई तो जाएगी पर किसी बड़ी घटना का आप भी शिकार ना हो। इसी तरह से यह परिवार लगातार लोगों को चूना लगा रहा था, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग जगहों पर किराए के मकान लेकर लोगों से ठगी कर रहे थे। पर ये जरूर कहते हैं कि कानून के हाथ बड़े ही लंबे होते हैं, एक ना एक दिन मुजरिम के यानी के क्राइम करने वालों के गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। एक जगह नहीं तो दूसरे जगह आखिर ये फंस ही गया। ना जाने और कितने परिवारों को कितने लोगों को इन परिवार ने ठगा होगा, उन्हें चूना लगाएगा। फिलहाल ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा, जांच का विषय रहेगा कि जांच में और क्या निकल कर आते हैं कि एक ही परिवार इस तरह से ठगी कर रहा था या इनकी पूरी एक चेन है, नेटवर्क है या और भी लोग इसमें शामिल है। इसलिए हम अपनी जनता से निवेदन करते हैं, खासकर मेल मेंबर से, क्योंकि मेल मेंबर कहीं ना कहीं ये कहेंगे जल्द इस झांसे में आ जाते हैं। क्योंकि अगर कोई प्यार से कोई युवती की आईडी बनाकर आपको अगर कॉल करता है, मैसेज करता है, तो जल्द प्रभावित हो जाते हैं, आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। जिस तरह से एक पुलिस वाले के निकाह की वो कार्ड बांट रहा था और खुशी में झूम रहा था और कार्ड बांट रहा था कि मेरी शादी है, और वही उसकी दुल्हन जो बनने वाली दुल्हन थी वो पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है। ये सीख है हम लोगों के लिए, हम सब के लिए, कि किसी पर भी यानी इस तरह से विश्वास ना कीजिए, किसी पर भी इतना अंधविश्वास ना कीजिए, और पूरी तरह से किसी से भी रिश्ता बनाने से पहले वेरिफिकेशन कीजिए। अगर कोई आपको कॉल आता है या मैसेज आता है, एकदम से उस पर विश्वास ना कीजिए। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। आपका क्या कहना है इस वीडियो में, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।